तो हर साल बनता रहता है ना हम लोगों का। तो कहाँ जाने की इरादा है अभी? वैसा कुछ नहीं है, हर साल प्रोसीजर है। हम लोगों को एक साल के लिए ही पासपोर्ट मिलता है, 10 साल का नहीं मिलता। तो हर साल जो है वो तो नोटिस ही नहीं लेते हैं। ना हम कोई विरोध करने वाले हम कहाँ हैं, हम तो खाली सवाल पूछ लेते हैं कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार है, बिहार हर नंबर में फिसड्डी है, बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, उन चीज़ों को कौन सुधारेगा? शिक्षा कौन सुधारेगा बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है। समाज सुधारने की बात तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेवारी है? पहले अपने सिस्टम को तो सुधारते हैं, पहले अपने अधिकारी और मंत्रियों को तो सुधारते हैं, अपने सरकार को तो सुधारते हैं। तो इस पर तो कोई चर्चा होती नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया, सस्ता कर दिया है पेट्रोल। क्या नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरीके का होना चाहिए? आप देखिए ना, बिहार में खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, मदद मिलनी चाहिए। तो काहेला बिजली सबसे ज़्यादा देश भर में महंगा बिछवाते हैं भाई। पेट्रोल डीजल तो सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स होता है तो कम करता ही, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिए ना, आप बिजली देश भर में सबसे महंगा क्यों बेचते हैं बिहार में? जब आप मानते हो गरीबी है, पिछड़ापन है, तो क्यों बेचते हैं? उत्पादन क्यों नहीं होता बिहार में? आप दूसरे से खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। तो ये सारा हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो पूरी तरीके से प्रताप के FIR दर्ज हुआ है, हम देखे नहीं।